मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है रक्तदान। प्रहलाद जी को मेन गेट खोलते बगल के मकान में रहने वाली ज्योति ने उदाहरण दिया। अंकल कब आपको रही, आप सुबह से कहाँ गए थे? मेरा गैस सिलेंडर लीक कर रहा है। तो फिर वाले को फोन कर देती। हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेट करके लौटा हूँ, थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है। प्रहलाद जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अंकल आपको इस बुढ़ापे में रक्तदान करते डर नहीं लगता? अगर आपको कुछ हो गया तो? ज्योति दिखावटी हमदर्दी जाहिर करते हुए बोली, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सीजेरियन डिलीवरी होने वाली है तो तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने सुचाते हुए पूछा। 5 साल पुरानी घटना याद आती है। ज्योति सिहर कर बोली, लगा था ना अंकल, पर कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी जान बचाने का पूरे 6 बोतल खून चढ़ा था। कैलाश जी जेब में ताला चाबी रखकर एक कड़ी दृष्टि ज्योति पर डालकर बोले, जिन्होंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था वो भी तुम्हारी तरह दकियानुसी सोच रखते तो? गैस सिलेंडर का सालों से इस्तेमाल कर रही हो लेकिन गैस लीक ठीक करवाने के लिए दूसरों का मुंह जो रही हो। कपड़ों से नहीं ज्योति, अपने कामों से सुनकर दूसरों से अपना काम निकालने में माहिर ज्योति मानो घड़ों पानी पड़ गया। वह झुके वहां से अपने घर के अंदर चली गई। मेरी दूसरी लघु कथा का रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम दिखाने के बाद बोला, आंटी सच बताइए, इस कॉलोनी में ऐसा शानदार घर मेरे सिवा है किसी का? बात खड़ी मिलान की पत्नी निशा इतराते हुए बोली, टाइल्सी और सैनिटी वेयर्स का सारा सामान एक्सपोर्ट क्वालिटी का है आंटी, मॉड्यूलर किचन तो मुंबई से मंगवाया है। हाँ मैं आपको खुदा घर दिखाना तो भूल ही गई, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर निशा उन्हें घर से बाहर बने संगमरमर के पूजा घर तक ले गई। शीला जी को देवी माता की भव्य मूर्ति निहार निशा के जब उसने अपनी माँ से कमरा भरवा, जहाँ मिट्टी की देवी माँ के लिए संगमरमर का पूजा घर बनाया जाए और पैदा करके पाल पोसने वाली माँ को पुराने जर्जर मकान में रहना पड़े तो ऐसा मकान कैसे प्रकट हो सकता है भला? कहकर शीला जी भारी कदमों से वहां से चल दी। और मेरी ये तीसरी लघु कथा है, इसका नाम है भूखा। रात को 9:15 बजे थी। डॉक्टर दीनानाथ ने शयन कक्ष में दहेज में मिले पलंग पर पसरते हुए इतराते हुए कहा, ए दीपिका सुन, जरा जरा गर्मा गर्म चाय तो लाना, आज ऑनलाइन साहित्यिक तभी अचानक उनका इकलौता बेटा विकास उनकी लिखी पुस्तकों स्मृति चिन्ह फोटो आदि चीजें फर्श पर पटक कर वहां से चला गया। उन्होंने तिलमिला के पूछा, ये सब क्या है? मेरे से बिना पूछे ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी जी, तभी तो ये सब कबाड़ा मैंने इधर रखवा दिया। कल मेरे इकलौते पोते दिव्यांशु की हल्दी की रस्म होने वाली, तुम्हारा सतवाना स्टडी रूम आज से दिव्यांशु का बेडरूम बन गया है जी। कहते हुए साइटिस्ट वहां हाजिर हुई, उनके पास बैठकर बोली, लो लव्या से बात करो। मौके की नजर पर लव्या को फोन लगाया। दूसरी तरफ से उल्हाना देती हुई लव्या बोली, आप भाषण और लेखन में तो इतना अच्छा नारी स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण की बातें करते हो, क्या बताऊं? लेकिन मुझे और मम्मी को आपने स्वावलंबी बनने का मौका ही कहाँ दिया नानू? आपने मम्मी को फर्स्ट ईयर में शादी कर दी और मम्मी पापा ने मेरी फाइनल ईयर में ही, उनमें से पहले हमारे पास क्यों कतर दिए गए? आप सब उनकी नवोदय अभिवृत्ति की कार्यो में दब गए। बाल डाई करने और टाई लगाने से कोई प्रगतिशील विचारों का थोड़ी हो जाता नव्या? उन्हें निरुत्तर देखकर दीपशिखा जी ने जवाब दिया और फिर रैंक से उनकी ब्लू टाई हल्के से खींचकर वहां से चलती बनी।